लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने लॉन्ग डिवीज़न कैसे करनी है पॉलीनोमियल्स में। इस वीडियो में भी हम लॉन्ग डिवीज़न को ही आगे बढ़ाएंगे, बट इस बार हम लॉन्ग डिवीज़न में कुछ ऐसा केस करने वाले हैं जो कई बार मुश्किल लगता है, बट उसको ईजी वे से किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस वन को बाय एक्स प्लस वन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। अगर मैं एक्स क्यू प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करता हूँ तो फॉलोइंग द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डिग्रीज चेक करना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में पावर में है कि नहीं है, तो वहाँ पे सब ठीक है यहाँ पे। उसके बाद तो आपको पता है एक्स क्यूब को एक्स के साथ यानी कि मुखिया को मुखिया के साथ डिवाइड करोगे, लड़वाओगे, तो मुखिया से मुखिया लड़ेगा तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा। आप इसको कंफर्म करने के लिए एक्स यहाँ से साइड पे डिवाइड कर सकते हो तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो लिख दिया। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब एंड वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पर लिखें, बिकॉज डिविडेंड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं। तो ठीक है, आप साइड पे लिख देते हैं, वहीं पे इधर लिख देते हैं। तो वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का होगा क्योंकि हाँ प्लस है, ठीक है, और वो हमें लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, जो ऊपर बच गया वो नीचे लिखोगे वन, और फिर ये एक्स स्क्वायर जो है क्योंकि ये बड़ी पावर है, ठीक है, यहाँ पे तो है वन की पावर, वन के साथ एक्स की पावर जीरो है क्योंकि एक्स नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक्स की पावर टू है। तो जब मैं यहाँ पे माइनस एक्स को लिखूँगा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में, मतलब मुझे इसको रीअरेंज करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखना पड़ेगा। अब यहीं पे आपकी मोस्टली गलती होती है, हालांकि ऐसा करने से गलती तो नहीं होगी अगर आप ऐसा भी लिख देते हो, बट यही है कि जब आप ऐसा लिखते हो तो आप साइन में गड़बड़ा जाते हो। आप इसको आगे लिखोगे, ये प्लस का है वो सब कुछ सोचोगे, ओके, अगर मान लो माइनस यहाँ पे होता तो बहुत बार आप देखोगे बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स, कई बार आप माइनस प्लस लगाने में चक्कर में भूल जाते हो। कुछ स्टूडेंट यहाँ माइनस लिख रहे हैं, वहाँ प्लस लिखेंगे, बोलेंगे कि हम इसको यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे करके कई गलतियाँ होंगी आपसे, जिसके कारण ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली बच्चों का गलत हो जाता है। सो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम इसको लिखने के मेथड में ही बदलाव कर देंगे, वो कैसे, बजाय इसके कि मैं एक्स क्यूब प्लस वन लिखूँ, मैं पूरा का पूरा लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, एक्स क्यूब था वो हम मानते हैं, प्लस वन था वो भी हम मानते हैं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये कहाँ से आ गए, ये तो क्वेश्चन चेंज करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन चेंज करने की पावर तो मेरे पास भी नहीं है, भले मैं टीचर हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम साथ में एक ऐसी चीज़ लगा देंगे जिसके कारण ये दिखेंगे तो सही लेकिन ये होंगे नहीं। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सबसे पावरफुल नंबर मैथ्स का, यानी कि ज़ीरो। अगर ज़ीरो लगा देता हूँ तो क्या होगा, ज़ीरो एक्स स्क्वायर ज़ीरो एक्स, तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। सो ऐसा करने से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो कैसे, चलिए देखते हैं। इसको डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आएगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। पिछली बार मेरे पास प्रॉब्लम थी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, इस बार मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, भले ही मैंने खुद बनाई है लेकिन जीरो लगा दिया था। तो ये बन गया आपका प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो मतलब मुझे कोई आगे पीछे करने का झंझट नहीं आएगा, ये तो कटने के लिए ही बना है। ज़ीरो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका मतलब वन, तो ज़ीरो माइनस वन इज माइनस वन। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब ज़ीरो होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया कोफिशियंट्स में अगर कुछ नहीं लिखा तो वो ज़ीरो नहीं होता, वन होता। यहाँ पे तो टर्म ही नहीं थी इसलिए मैंने ज़ीरो एक्सपर लिखा, ठीक है, तो ज़ीरो एक्सपर वाली कोई टर्म नहीं थी। सो यहाँ पे ये आ गया प्लस, ऊपर से लिखा आएगा ज़ीरो एक्स प्लस वन, ठीक है, वो आता चालू।
अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ डिवाइड करो। तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल बी लेफ्ट विद माइनस एक्स। सो एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, वन इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स। डिवाइड किया, कटिंग की, जीरो आंसर, इधर प्लस जीरो आंसर। तो नो सॉरी, जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। ओके, तो अभी भी ऊपर से आ सकता है वन। एक्स को एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, ये तो मुझे शायद करने की ज़रूरत नहीं, ये भी कर देता हूँ। जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आता है, वन। तो हमारा वन यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक्स इंटू वन इज एक्स एंड वन इंटू वन इज वन, लीव वन लाइन। देखो जैसे मैं एक एक लाइन छोड़ रहा हूँ, साइन चेंज करने के लिए भी आप भी ऐसे छोड़िए, इससे क्या होगा, कंजेशन नहीं होगी और आपका आंसर सही आएगा। सो नाउ रिमाइंडर इज जीरो। हम देखेंगे ये जो हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से भी सेम आएंगे, लेकिन बहुत ईजी वे में आ जाएंगे। सो हम ये लॉन्ग डिविजन कर रहे हैं, आपको भी करनी है, लेकिन पेपर में अगर आ जाता है कि आप रिमाइंडर निकालिए तो आप इस मेथड को छोड़ के रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा क्योंकि तो उसमें गलती करने के चांसेस कम होंगे। लेकिन ये आपको सीखना है क्योंकि तो ये आपको इसी क्लास में 2.4 में भी आपको यूज़ होगा, और तो और ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 में इस भी आपका बेस बनेगा। एक और कर देता हूँ सो दैट के हमारा लॉन्ग डिवीज़न क्लियर हो जाए। आज मैं लॉन्ग डिवीज़न की वर्कशीट भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसकी वर्कशीट का लिंक दूंगा, आप उसको क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म सबमिट कीजिए। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डिवाइड एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। अगेन एक्स पावर 4 प्लस 1, तो 4 के बाद कोई एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, मैं 0x³ लिख देता हूँ, 0x² लिख देता हूँ, 0x लिख देता हूँ प्लस 1। तो आई एम डिवाइडिंग एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ओके, तो मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन, तो हियर इज द क्वेश्चन। तो हमारे स्टेप्स वही हैं, यहाँ पे कोई टर्म नहीं थी एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर की, एक्स की, तो इसलिए मैंने इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया। और डिवाइडिंग इट बाय एक्स पावर, सॉरी एक्स प्लस 1। सो गोइंग विद द सेम फ्लो, एक्स इंटू एक्स क्यूब इज एक्स 4। ओके, वन इंटू एक्स क्यूब इज वन एक्स क्यूब। वन आप लिखें ना लिखें एक ही बराबर है, मैं माइनस कर देता हूँ। 0 माइनस 1 इज माइनस 1 x² x³। ऊपर से आएगा 0 x², ऊपर से आएगा 0 x, ऊपर से आएगा 1। ओके, नाउ एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब। मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा डिवाइड करके, आप डिवाइड कर सकते हैं, आपके ही आंसर आएंगे, बट मैं जो हूँ इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ फटाफट। आप चाहें तो इसको धीरे धीरे वीडियो पॉज करते करते देखिए और साथ में मैच कीजिए। सो 1 × -x² इज -x² साइन चेंज, ये बना ही कटने के लिए साइन चेंज। तो 0 + 1 x² इज ओनली x² प्लस 0x प्लस 1। ओके, नाउ एक्स इंटू एक्स इज x² प्लस 1 इंटू एक्स इज 1x और ओनली x, चेंजिंग द साइन अगेन, कटने के लिए बना है। ये आपका आ गया माइनस एक्स, 0 - 1 इज -1, -1x, या अकेला माइनस एक्स, अप टू यू, जैसे मर्जी लिखिए, प्लस 1। नाउ इंटू -1, एक्स इंटू -1 इज -x, प्लस 1 × -1 इज -1। सो अगेन साइन चेंज होगा, मैंने इस लाइन नहीं छोड़ी, छोड़ देता हूँ, ये साइन चेंज हुआ, ये तो फटने के लिए बना, ये आपका आ गया 1 + 1 2। आगे नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, इधर अगर छोटी आ जाए तो हम डिवीज़न नहीं करते।
सो दिस इज़ योर रिमाइंडर टू एंड दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन तो आपसे 20 क्लास में नहीं पूछेंगे. हाँ, रिमाइंडर आप देखिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉन्गिज्म मेथड. आपको जो वर्कशीट मिल रही है इसके नीचे वो ज़रूर कीजिए. ओके, आज के लिए इतना ही.